Respected officers, teachers, and my dear students, welcome to today's online class. Once again, I am here with my new English lesson in online education program conducted by MCGM Education Department. I will teach you lesson through screen sharing by showing slides. Let's see. A short description, introduction about me. मेरे बारे में एक संक्षिप्त परिचय. MCGM Education Department Online Education Program. I train teacher Shyam Nandan R. Yadav from Hanuman Nagar Hindi School, Kandivali East, Mumbai 400101. Today's date, 10th November 2020. It's Tuesday. Today's good thought: believe in yourself. स्वयं पर भरोसा रखें. My dear students, believing in yourself is the first secret to success. स्वयं पर विश्वास करना सफलता का पहला रहस्य है. Only you can change your life. No one can do it for you. आप ही अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं. कोई अन्य यह कार्य आपके लिए नहीं करेंगे. What people think about you is not important. What you think about yourself means everything. अन्य लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. Always keep one thing in mind that action speaks louder than words. इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके कार्य आपके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं. A negative mind will never give you a positive life or result. एक नकारात्मक सोच या विचार कभी भी आपको सकारात्मक परिणाम या जीवन नहीं दे सकते हैं. यू आर द प्रॉब्लम एंड ओनली यू आर द सॉल्यूशन. आप ही समस्या हैं और आप ही समाधान हैं. अर्थात आपके विचार ही समस्या हैं और आपके विचार ही समाधान हैं. स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश. टुडेज टॉपिक वर्ड्स वी नो. Today's topic words we know, अर्थात बहुत सारे शब्द जो हम जानते हैं. शब्दों को जो हम जानते हैं तो बहुत सारे शब्द हम जानते हैं. बहुत सारे शब्द हमें जानना है तो इन्हीं शब्दों के बारे में इन्हीं शब्दों के संदर्भ में कुछ बातें आज हम सीखेंगे. तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. आप इससे भली भांति परिचित होंगे. आप यह सोच रहे होंगे कि सर आज हमें एबीसीडी पढ़ाएंगे. तो हाँ, आप सही सोच रहे हैं. देयर आर 88 पेजेस इन योर टेक्स्ट बुक. आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में 88 पेज हैं. उस पेज में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी सेंटेंस हैं, उनमें यही सारे लेटर्स आते हैं. ऐसा कोई भी वर्ड या ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा जिसमें ये वर्ड्स नहीं आए. उनका सीक्वेंस अलग हो सकता है लेकिन जो लेटर्स होंगे यही होंगे. ये अल्फाबेट्स हैं. एक बार हम इन्हें रीड करेंगे. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. There are total 26 letters.
हमें इनका सीक्वेंस याद रखना है, ध्यान में देना है, और मुझे पता है आपको इनका सीक्वेंस भली भांत आप इससे परिचित हैं, आप इनके बारे में जानते हैं, फिर भी रिमाइंड करने के लिए मैंने आपको ये बता दिया। ये है रीड ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल एट ए ग्लांस। आपको एक नजर में, मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, आपको एक नजर में उन सारे शब्दों को पढ़ना है। ये रहा आपका टेबल, बुक में आपके व्हाट्स वी नो चैप्टर पेज नंबर 14 पे ये टेबल बनाया गया है, और इसको हम रीड करेंगे। ए एंड माई वेयर हिम विथ दिस ऑफ ऑल देम नो हर हिज one there our the any now every if what some without and who your by how us that then there mean but here many two only and when। तो इन्हें हम, इन शब्दों को हमने एक बार पढ़ा, तो देयर आर टोटल 40 वर्ड्स इन दिस टेबल। इस टेबल में पूरे 40 शब्द हैं जिसको हमने पढ़ा। अब इनका क्या करना है हम आगे देखेंगे। प्रिपेयर अ कार्ड फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स एंड पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको प्रत्येक शब्द के लिए एक कार्ड बनाना है और बनाए हुए शब्दों को, जो शब्द हैं आपके, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुट करना है, उन्हें रखना है। किस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन्हें रखना है? तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है उसके बारे में हमें जानना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फर्स्ट कंपेयर द फर्स्ट यूनिट लेटर बाय लेटर। अल्फाबेट ऑर्डर में क्या करना होता है कि पहले हमें जो भी यूनिट है यानी जो भी वर्ड्स हैं उनके लेटर यानी अच्छा लेटर बाय लेटर को कंपेयर करना होता है। इफ द फर्स्ट लेटर इज द सेम फाइल इन टर्म्स ऑफ द सेकेंड लेटर, अगर पहला लेटर सेम होता है तो हम नेक्स्ट सेकेंड लेटर पे जाते हैं, उनका कंपेरिजन करते हैं, एंड सो ऑन, और इसी तरह यह होता है। तो यहां पर देखिए चार वर्ड्स दिए हैं, कितने वर्ड्स दिए हैं, चार वर्ड्स, लायन, डॉग, एलिफेंट और कैट। लायन, डॉग, एलिफेंट और कैट। तो लुक एट दिस लिस्ट ऑफ वर्ड्स, द लिस्ट इज नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जो लिस्ट है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। टू अरेंज दिस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर वी लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। अब हमें इन चारों शब्दों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट लेटर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एल डी ई एंड सी। अब आपको चार वर्ड्स दिखे हैं, एल डी ई एंड सी। द वर्ड दैट बिगिंस विथ लेटर ए, द वर्ड दैट बिगिंस विथ लेटर ए कम्स फर्स्ट followed by the word that begins with letter B, then C, then D, then E, and so on। ऐसा शब्द जो कि लेटर A से स्टार्ट होता है, उसके बाद B, फिर C, फिर D, फिर E, और इसी प्रकार। हमें चारों शब्दों को देखना है, उनके फर्स्ट लेटर को देखना है, और फर्स्ट लेटर में जो लेटर
आपका जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है अल्फाबेट्स का, उसमें जो सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो वर्ड पहले आएगा। तो यहां पे देखेंगे हम, तो अगर हम ए बी सी डी ई एफ ऐसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले जो लेटर आता है, यानी हम पहले लेटर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हर वर्ड के पहले लेटर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो पहला लेटर होगा सी, पहले सी आएगा, ए बी सी डी, क्योंकि हमें कंपेयर करना है सी डी ई और एल में, तो पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई एल, हमारा जो सीक्वेंस होगा सी डी ई एंड एल। तो लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो हमारी लिस्ट बनेगी, जो हमारी लिस्ट तैयार होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर की, वो इस प्रकार होगी, कैट, डॉग, एलिफेंट एंड लायन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिले जो है शब्द कैट, डॉग, एलिफेंट एंड लायन। तो आपका देखिए ये लिस्ट है, लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विल बी लाइक दिस, कैट, डॉग, एलिफेंट, लायन। लेट्स नाउ लुक एट एंड द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अब एक अलग लिस्ट है, शब्दों की एक अलग लिस्ट है, अब हमें उनपे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहां पर चार शब्द दिए हुए हैं, कलेक्ट, क्लेवर, कम, क्लासरूम। हियर ऑल द वर्ड्स आर स्टार्टिंग विथ लेटर सी। अब यहां पर आपने देखा जो चारों शब्द दिए गए हैं वो चारों शब्द लेटर सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ हाउ टू अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ टू अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले लेटर तो सी 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 चारों सेम है, तो हमें कैसे इसको अरेंज करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन टू और मोर वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर, वी सॉर्ट देम बाय सेकंड लेटर। अगर दो या उससे अधिक शब्दों के पहले लेटर सेम है तो हम उनके सेकंड लेटर पे जाते हैं, वी सॉर्ट देम बाय सेकंड लेटर। तो अब हमें सेकंड लेटर पे जाना है, सेकंड लेटर है यहां पर ओ एल ओ एल। अब यहां पे देखा आपने सेकंड लेटर में ओ एल ओ एल, तो पहले हमें ओ और एल में क्लियर करना है कि पहले कौन सा लेटर आता है। तो जाहिर सी बात है आप ए बी सी डी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल कम फर्स्ट। तो आपको यहां पे दो वर्ड्स मिले, क्लेवर एंड क्लासरूम। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लेवर एंड क्लासरूम दोनों में एल एल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वी गो टू द थर्ड लेटर, हम तीसरे लेटर पे जाएंगे और कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि अभी हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है, क्लेवर एंड क्लासरूम में। तो यहाँ थर्ड लेटर है ई और यहाँ पे क्लासरूम का थर्ड लेटर है ए, तो ऑब्वियस ए कम्स फर्स्ट बिफोर ई, तो ए पहले आता है, तो हमारा जो फर्स्ट लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम लिखने जाएंगे तो हमारा फर्स्ट लेटर होगा क्लासरूम, क्लासरूम के बाद आ जाएगा आपका क्लेवर, और क्लेवर के बाद फिर आपको कलेक्ट और कम में चूज करना है। तो यहां पे सीओ सीओ यानी शुरू के दो लेटर कॉमन हो गए, तो वी विल मूव ऑन टू द थर्ड लेटर, थर्ड लेटर यहां पर एल है और यहां पर एम है। तो फिर हम एबीसीडी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप दो बार तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा एबीसीडी वैसे भी याद है और आप तेजी से इसको कर सकते हैं। तो यहां पर एल कम्स फर्स्ट, तो आप कलेक्ट लिख देंगे और कलेक्ट के बाद फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा कम, यानी इन चारों शब्दों का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा वो होगा क्लासरूम, क्लेवर, कलेक्ट, कम, क्लासरूम, क्लेवर, कलेक्ट, कम।
अब आप पेज नंबर 14 जब ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक, तो वहां पे मैंने आपको टेबल दिखाया था, उस टेबल में टोटल 40 वर्ड्स हैं, टोटल 40 वर्ड्स हैं। अब 40 वर्ड्स को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना है, 40 वर्ड्स को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो जब आप उसको सेट करने जाएंगे, तो यहां पर आपकी सुविधा के लिए जो फर्स्ट लेटर है, जैसे ए, फिर बी सी डी ई एफ जी एच, इस प्रकार सारे शब्दों में जो फर्स्ट लेटर है वो जितने आए हुए हैं उनको एक सीक्वेंस बना दिया गया है। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ए, उस टेबल में सबसे पहले हम उन लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे जिनका फर्स्ट लेटर, उनके ऐसे वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे जिनका फर्स्ट लेटर ए है, जो ए से स्टार्ट होते हैं। तो उस टेबल में हमको 5 शब्द मिलते हैं जो कि ए से स्टार्ट होते हैं, वो इस प्रकार हैं, ए, ऑल, एंड, एनी, एंड। तो इनका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा वो इस प्रकार होगा, ए, फिर ऑल, ए सिंगल वर्ड, सिंगल लेटर वाला वर्ड है और ये सबसे पहले आता है तो ए हो जाएगा, उसके बाद ऑल, क्योंकि अभी आपको सेकेंड लेटर फर्स्ट लेटर सेम है, कॉमन है, तो आप सेकेंड लेटर पे जाओगे, सेकेंड लेटर एल, एन, 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 आपको एल और एन में कंपैरिजन करना है, तो एल कम फर्स्ट, तो इसलिए ऑल ये वर्ड पहले आ जाएगा। फिर यहां पे देखिए एन है, एनी है, एंड है, तो एन ये दो लेटर के हैं क्योंकि दोनों लेटर यहाँ पे तीनों में कॉमन है, तो एन लिख लेंगे। उसके बाद एनी और एंड, ए एन, ए एन कॉमन है, और ये थर्ड लेटर है वाई और थर्ड लेटर है डी, तो ऑब्वियस डी पहले आता है तो एंड हम पहले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे एनी। तो ए फर्स्ट लेटर हमने ए जितने भी वर्ड्स थे उनको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद बी वाले वर्ड्स हैं, बी वाले केवल दो वर्ड्स हैं, वो है बाय और बट। तो सेकेंड लेटर पे जाएंगे, यहां पर वाई है और यहां पर यू है, तो हम पहले यू कम्स फर्स्ट, यू पहले आता है तो बट लिखेंगे और बट के बाद बाय। नाउ ए बी, दिए हुए टेबल में सी और डी से कोई भी वर्ड नहीं है। आपको जो 40 वर्ड्स का टेबल है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसमें सी और डी से एक भी वर्ड्स नहीं दिए गए हैं। ई से एक वर्ड है, सिंगल वर्ड एवरी, तो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर एवरी ही होगा, सिंगल वर्ड वर्ड है तो सेम होगा। नाउ एफ जी, एफ और जी से एक भी वर्ड्स उस टेबल में नहीं है। उसके बाद एच, एच से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 वर्ड्स है एच से, तो इनका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा, एच कॉमन है तो हम नेक्स्ट सेकेंड लेटर पे जाएंगे, आई, आई ओ ई ई, तो आई ओ और ई में आपको सेलेक्ट करना है पहले क्या आता है, ऑब्वियस सबसे पहले ई आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर, हर के बाद हियर, क्योंकि ये एच ई आर तीन लेटर है, यहाँ पे 4 है तो कम वाले ये पहले आ जाएंगे हर, और उसके बाद हियर। अब फिर आपको आई और ओ, सेकंड लेटर आई और ओ है तो आई पहले आता है, तो आई में आपने 2 है हिम और हिच, तो एम पहले आता है, एस के पहले एम आता है, तो हमने यहाँ पे हिम लिखा, उसके बाद हिच, और अंत में आ जाएगा हाउ। नाउ एच हो गया आई, एच के बाद जो पहला लेटर आई, तो इस पे आपके टेबल में केवल एक वर्ड आया हुआ है वो है इफ, और अगर सिंगल वर्ड आता है तो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सिंगल ही होगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इफ। आई, जे, के, एल, इन तीनों लेटर से स्टार्ट होने वाले एक भी शब्द उस टेबल में नहीं है तो उनको नहीं लिया गया है। वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर एम, एम से आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पे 3 है, मी, मेनी और माई, 3 वर्ड्स दिए हुए हैं और पहला लेटर सेम है, तो हम नेक्स्ट लेटर पे जाएंगे, सेकंड लेटर पे, वो है ई, ए और वाई, ई, ए और वाई,
तो सबसे पहले ए आता है तो वर्ड मेनी आ जाएगा, उसके बाद ई आता है तो वर्ड मी, और इन द एंड माई, क्योंकि लास्ट में वाई है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनता है मेनी मी माई। वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर एन, एन से स्टार्ट होने वाले दो वर्ड्स दिए हुए हैं, नाउ एंड नो, तो इनमें कंपैरिजन करना है आपको नाउ और नो में। एनओ एनओ सेम है तो पहले हम नो लिख देंगे और उसके बाद नाउ। नाउ वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर ओ, ओ से स्टार्ट होने वाले फोर वर्ड्स दिए गए हैं, वन ओनली ऑफ एंड आवर, चार वर्ड्स दिए गए हैं, तो इन चारों वर्ड्स को जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करेंगे तो पहले हम सेकेंड लेटर पे जाएंगे, सेकेंड लेटर है एन एन एफ एंड यू, तो एफ कम्स फर्स्ट तो ऑफ पहले आ जाएगा, उसके बाद वन, क्योंकि एफ एन और यू में कंपैरिजन करना था तो एफ पहले आ गया, उसके बाद एन 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 और एन के दो वर्ड्स हैं सेम है दोनों, तो हम थर्ड लेटर पे जाएंगे, थर्ड लेटर यहाँ पे ई है, यहाँ पर एल है, तो ई पहले आता है तो वन आ जाएगा, और वन के बाद ओनली, और ओनली के बाद आवर, तो इन चारों वर्ड्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया ऑफ वन ओनली आवर। उसके बाद एक वर्ड्स दिया हुआ है आपके जो कि एस से स्टार्ट होता है, वो एक वर्ड है सम, तो इसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा सेम होगा, सम एक ही वर्ड्स हैं तो एक ही वर्ड्स हैं तो उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेम होगा। नाउ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर टी, टी से आपके टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 वर्ड्स दिए गए हैं, टोटल वर्ड्स कितने दिए गए हैं 8, तो इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेट करेंगे। विद्यार्थियों सीखते समय आप लोग भी अपने माइंड को जारी रखिए, देखिए कि आप अपनी तरफ से भी इसको करते रहिए और सीखते रहिए। देखिए यहाँ पे पहले लेटर सेम है, टी 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 टी, ऐसे लेटर्स यानी टी से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर्स हैं, तो हम मूव करेंगे सेकेंड लेटर पे, सारे वर्ड्स के सेकेंड लेटर पे जाएंगे, और सेकेंड लेटर एच 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 ओ एच एच एच, यानी सेकेंड लेटर में एच और ओ दो हैं तो एच पहले आता है, तो अभी हम मूव ऑन करेंगे थर्ड लेटर पे, क्योंकि सेकेंड लेटर भी सेम हो गया तो थर्ड लेटर पे जाएंगे, तो ई ई ई आई ए ई और ई, यहाँ पे आपको थर्ड लेटर ई हुआ, ई मिला आपको, आई मिला और ए मिला, सबसे पहले ए आता है तो जो आपका पहला वर्ड आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा दैट। अब हमें थर्ड लेटर की हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो थर्ड लेटर पे देखेंगे, फिर उसके बाद आप देखिए टी एच ई, तीन लेटर है यहाँ पे, और ई से स्टार्ट होने वालों में ये तीन लेटर वाला वर्ड है तो इसको हम लिख लेंगे टी एच ई, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम ई वाले तीन जो वर्ड्स देख रहे हैं, देम देख रहे हैं, देन देख रहे हैं, देयर देख रहे हैं, देयर देख रहे हैं, तो ये चार वर्ड्स हमें मिले, तो जो फोर्थ लेटर का हम कंपैरिजन करते हैं तो हम हमें एम एन आर और आई इनमें कंपैरिजन करना है, तो इसमें जो पहले आता है वो लेटर आई आता है, तो लेटर आई वाले वर्ड को हम पहले लिख लेंगे, वो हो गया देयर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो तीसरा क्रम बैठेगा वो होगा देयर, उसके बाद फोर्थ वर्ड, फिर एम आता है जो चारों वर्ड्स में जो हमने कंपैरिजन किया उसमें एम जाएगा, देम,
और M के बाद N, तो देन फिर। अब देखिए देयर THER जो फोर्थ वर्ड कंपेरिजन कर रहे थे उसमें, उसके बाद आएगा R, हो गया देयर, और R के बाद आता है S, तो THIS दिस, और अंत में टू जी ओ, क्योंकि ओ सबसे सेकेंड लेटर की जो कंपेरिजन थी उसमें ओ सबसे लास्ट में आता है, TH सेकेंड लेटर में जो कंपेरिजन था TH सब सेम थे और ओ उसके बाद आता है, तो ये वर्ड सबसे बाद में आएगा। नाउ वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर यू, आपके टेबल में यू से स्टार्ट होने वाला एक सिंगल वर्ड है अस, तो इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेम होगा अस। नाउ वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर डब्ल्यू, डब्ल्यू से आपके टेबल में सिक्स वर्ड्स हैं, तो इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए, हमें डब्ल्यू फर्स्ट लेटर सेम है तो वी विल मूव ऑन सेकेंड लेटर, पहला लेटर सेम होने पे हम सेकेंड लेटर पे जाते हैं, तो आई आई एच 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 एच, तो पहले एच आता है, बट एच वाले भी चार वर्ड्स हैं, तो उन चारों में हम थर्ड लेटर पे जाएंगे, उन चारों में जो एच वाले वर्ड्स चार वर्ड्स हैं उनके हम थर्ड लेटर पे जाएंगे, तो ई ओ ए ई, तो ए पहले आता है तो ये वॉच, ए के बाद जो चारों वर्ड्स हैं उसमें ई पहले आता है तो वेन, फिर वेन, फिर वेयर, क्योंकि यहां पे थर्ड डब्ल्यू एच ई सेम हो गया, तो हम चौथे वर्ड्स पे गए तो एन, और यहां पर आर, एन पहले आता है इसलिए हमने वेन लिखा, फिर वेयर, फिर डब्ल्यू एच ओ, क्योंकि थर्ड लेटर ओ है, हु, उसके बाद विथ, एच, एच वाले कंपेरिजन हो गए, फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर जो सेम थे उनके कंपेरिजन यहाँ पे संपन्न हो गया, फिर उसके बाद हम आई देखेंगे तो विथ, और अंत में सबसे अंत में विदाउट, सबसे अंत में विदाउट। और आपके टेबल में जो लास्ट वर्ड है वो वाई से स्टार्ट होता है, ऑब्वियस है वाई वाले वर्ड सबसे लास्ट में आएंगे, सबसे लास्ट में जेड वाले वर्ड आएंगे, लेकिन जेड के वाई के बाद आते हैं, तो ये वाई वाले, वाई से योर है तो इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर योर ही होगा, और आपके टेबल में जेड से कोई वर्ड नहीं है तो इसको नहीं लिया गया है। अब देखिए ये रहा आपका टेबल जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम नीचे दिए हैं, तो इसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनता है वो इस प्रकार बनता है, और एक बात आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर वाले जो वर्ड्स हैं तो उनको एक कलर से लिखा गया, जैसे ए वाले सारे एक कलर के हैं, एक इस ऑल लेटर्स, ऐसे वर्ड्स जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं वो सारे वर्ड्स एक कलर के हैं, उसके बाद बी, फिर सी डी है नहीं तो ई को लिया गया है, इस प्रकार, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हमारा सेट होता है वो इस प्रकार होता है, ए, ऑल, एन, एंड, एनी, बट, बाय, एवरी, हर, हियर, हिम, हिज, हाउ, इफ, मीनिंग, मी, माय, नो, नाउ, ऑफ, वन, ओनली, आवर, सम, that, the, their, them, then, their, this, to, us, watch, when, where, who, with, without, or in the end, your. My dear students, ये 40 words दिया था आपके टेबल में और 40 words को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना था, तो आपको इस तरह का मेथड यूज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ए वाला लेटर लेंगे, फिर बी फर्स्ट लेटर, अगर सेम है सारे लेटर्स तो सेकंड लेटर पे मूव ऑन करेंगे, सेकंड भी सेम है तो हम थर्ड लेटर पे मूव ऑन करेंगे, तो इस प्रकार हमारे इस टेबल का ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो इस प्रकार बन जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से आपको और अच्छी आइडिया, बेटर आइडिया आपको मिल जाएगी।
नाउ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, राइमिंग वर्ड्स आर टू आर मोर वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स आर टू आर मोर वर्ड्स दैट हैव सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड। राइमिंग वर्ड्स अर्थात तुकबंदी वाले शब्द। तो ऐसे दो शब्द या दो से अधिक शब्द जिनका एंडिंग साउंड, अंत का जो साउंड आता है, एंडिंग साउंड, अंत वाला साउंड सेम और सिमिलर हो, समान हो, एक जैसा हो, जब आप उनको प्रोनंसिएशन करेंगे, आप उसका उच्चारण करेंगे, तो यह सेम लगेगा, एक जैसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा। अगर आप शुरू के स्टार्टिंग नहीं सुन पाए हैं और अंत वाले शब्द जब सुनेंगे तो आपको लगेगा ये एक जैसे ही हैं। एक एग्जांपल दिया है मैंने, कुक लुक बुक, कुक लुक बुक। आप जरा इसको प्रोनंसिएशन इसका करके देखिए, इसका उच्चारण करके देखिए, आपको लगेगा हाँ ये तो एक जैसे ही है। और ऐसे शब्दों को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स। तो क्या होता है, इट इज अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड कैजुअली एग्जैक्टली द सेम साउंड्स इन द फाइनल स्टेट सिलेब्स एंड एनी फॉलोइंग सिलेब्स ऑफ टू आर मोर वर्ड्स। मोस्ट ऑफन दिस काइंड ऑफ परफेक्ट राइमिंग इज कंसिस्टेंटली यूज्ड फॉर इफेक्ट इन द फाइनल पोजिशंस ऑफ लाइन्स ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स। अक्सर क्या होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग ज्यादातर कविताओं और गानों में किया जाता है। कविता बोलना हो या गाना हो तो उसमें ऐसे शब्दों को, राइमिंग वर्ड्स का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तुकांत शब्द कहते हैं इन्हें। कुछ हिंदी के मैं आपको तुकांत शब्द बोल रहा हूं जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगी। जैसे मेला केला, लहर नहर, मोर शोर, रंग अंग, जल पल, तन मन, हाथ साथ, उमंग तरंग। तो ये हिंदी के शब्द हैं। तो इससे आपको जो तुकबंदी वाले शब्द हैं, तुकांत शब्द हैं, इनका अंत का जो उच्चारण होता है वो एक जैसा होता है। कुछ इंग्लिश के एग्जांपल आप देखिए, सम एग्जांपल्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स के इंग्लिश में कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको देखने के बाद पूरी क्लियर आइडिया मिल जाएगी आपको। कैच बैट, बोलिए आप इसको, कैच बैट। बॉल टॉल, लग रहा है आपको, देखिए अंतिम उच्चारण की तरफ देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि एक जैसे ही उच्चारण हो रहे हैं। फेस रेस, ब्रिज फ्रिज, सिंग किंग, मेक केक, फॉक्स बॉक्स, पेन टेन। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कैट बैट बॉल टॉल, फेस रेस, ब्रिज फ्रिज, सिंग किंग, मेक केक, फॉक्स बॉक्स, पेन टेन। ये सारे एग्जांपल्स थे राइमिंग वर्ड्स के, जिन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं, इनका अंतिम उच्चारण एक जैसा होता है। ये आपका टेबल है और इस टेबल में कुछ राइमिंग वर्ड्स मैंने यहाँ पे दिखाया है। वो राइमिंग वर्ड्स हैं देन वेन, देन वेन, लग रहा है ना आपको, देन वेन, देन वेन, देयर हियर वेयर, देयर देयर हेयर, देयर हियर वेयर। ये देखिए इनका जो उच्चारण हो रहा है एक जैसा हो रहा है। और तीसरा देखिए एनी मेनी, यहाँ पे कुछ इस टेबल के राइमिंग वर्ड्स को दिखाया गया है आपके लिए। ये शब्द यहाँ पे आए हुए हैं इस टेबल में, देन वेन देयर हियर वेयर, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और एनी और मेनी।
अब इस टेबल से कुछ और जानकारी हम प्राप्त करेंगे। वर्ड्स दैट बिगिन विथ टी, आपको ऐसे शब्दों को लिखना है, देखना है, बताना है जो कि टी से स्टार्ट होते हैं, जिनका प्रारंभ टी वर्ड से स्टार्ट होता है। बहुत इजी, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। आपको फोकस करना है केवल फर्स्ट लेटर पे, क्योंकि आपको लिखना है कि ऐसे वर्ड्स जो टी से स्टार्ट होते हैं, तो आपको फोकस करना है फर्स्ट लेटर पे। तो आपको जो वर्ड्स मिलते हैं हर कॉलम में, यहाँ पे दिस, फिर आप यहाँ पे देम, फिर यहाँ पे देयर, द, दैट, देन, देयर, ये शब्द सेव एंड टू, टोटल 8 वर्ड्स आपको इस टेबल से मिले जिनका प्रारंभ लेटर टी से होता है। तो है दिस, देम, देयर, द, दैट, देन, देयर, टू। नाउ सेकेंड वन, वर्ड्स दैट बिगिन विथ डब्ल्यू, ऐसे वर्ड्स लिखना है जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हो। आपको फोकस करना है फर्स्ट लेटर पे और फर्स्ट लेटर डब्ल्यू से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप हैं वेयर, विथ, व्हाट, विदाउट, हु एंड व्हेन। देर आर टोटल 6 वर्ड्स दैट बिगिन विथ लेटर डब्ल्यू, वेयर, विथ, व्हाट, विदाउट, हु एंड व्हेन। अब देखिए वर्ड्स वर्ड्स दैट एंड विथ ओ, आपको ऐसे वर्ड्स सेलेक्ट करना है जिनके एंड में, यानी उनका लास्ट लेटर, आखिरी लेटर ओ हो। तो यहाँ पे हमें ऐसे वर्ड्स ढूंढना है जिनका अंतिम लेटर, अगर वो तीन वर्ड्स के हैं, तीन लेटर के वर्ड्स हैं, तो उनका तीसरा जो लेटर हो ओ होना चाहिए। चार लेटर के वर्ड्स हैं, तो उनका चौथा जो लेटर है ओ होना चाहिए। तो यहां पे जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है नो, हु, टू और वर्ड्स दैट एंड विथ वाई। वर्ड्स दैट एंड विथ वाई, आपको ऐसे वर्ड देखना है जो कि जिनके अंत में वाई आए। तो यहां पे जो हमें शब्द मिलते हैं माई, एवरी, एनी, बाय, many and only, ये जो words हैं इनके अंत में letter y आ रहा है, आपको दिख रहा होगा y y y y y and y। तो यहाँ पे तो ये 6 words हुए जिनके end में y आता है। एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहां पे 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्लावर, सिंग, डे, अवे। तो ये फ्लावर, सिंग, डे, अवे, इनको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। तो हम फर्स्ट लेटर को देखेंगे, यहां पे फर्स्ट लेटर है एफ, एस, डी एंड ए। चारों वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर आते हैं वो है एफ, एस, डी एंड ए। तो हम इनका कंपैरिजन करेंगे, तो सबसे पहले ए आता है, तो
ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड्स लिख लेंगे अवे, उसके बाद डी आता है तो डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड लिखेंगे डे, और उसके बाद एफ फ्लावर, और इन द एंड एस तो सिंग। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर दीज वर्ड्स विल बी अवे डे फ्लावर एंड सिंग। नाउ अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको यहाँ पे टोटल 6 वर्ड्स दिए गए हैं, और ये 6 वर्ड्स में जो इनका फर्स्ट लेटर है वो सेम है, इनका जो फर्स्ट लेटर है वह सेम है ए ए ए ए ए एंड ए। तो आप भली बात जानते हैं कि आप अगर फर्स्ट लेटर सेम हो तो हम मूव करते हैं सेकंड लेटर पे। तो सेकंड लेटर देखिए पी एन ई यू पी एंड एन, तो ये जो सेकंड लेटर है पी एन ई यू एंड एन, इसमें जो फर्स्ट सबसे पहले आता है आपके अल्फाबेट्स में वो आता है लेटर ई, तो हम लेटर ई वाला यानी सेकंड लेटर जो ई है वो एरोप्लेन को पहले लिखेंगे। तो एरोप्लेन, उसके बाद ई के बाद आता है एन, एन के यहाँ पे दो मिले आपको एंट एंड आंसर, एंट एंड आंसर। तो एंट और आंसर में आपका देखिए टी है और यहाँ पे एस है, तो एस पहले आता है इसलिए आंसर, उसके बाद एंट, फिर आपको सेकेंड लेटर देखिए पी तो एप्पल, अप्रैल, और इन द एंड ए यू है, यू सबसे लास्ट में आता है सेकेंड लेटर, कंपेरिजन कर रहे थे हम, यू सबसे लास्ट में आता है तो अगस्त लास्ट में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हुआ वो हो गया एरोप्लेन, आंसर, एंच, एप्पल, अप्रैल एंड अगस्त। नाउ मैच द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स, आपको इन राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है। टेन फ्लाई पे जून, और नेक्स्ट कॉलम में है जुलाई, टे हेन एंड ट्यून, तो आपको यहाँ पे मैच करना है राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए टेन, तो टेन का उच्चारण हम इन सबसे मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा मैच होता है। टेन जुलाई, उच्चारण सेम नहीं है। टेन डे नहीं, टेन हेन, टेन हेन हाँ, ये हमें इनका उच्चारण सेम लग रहा है। तो टेन हेन, टेन की जो राइमिंग वर्ड्स दिए हुए कॉलम में कौन सी हो जाएगी, हेन। उसके बाद हम देखते हैं फ्लाई, फ्लाई का हम मैच करते हैं जुलाई, तीन और बचे हैं जुलाई डे और ट्यून से, फ्लाई जुलाई, फ्लाई जुलाई हाँ ये मैच हो रहा है, तो फ्लाई जुलाई, फ्लाई का राइमिंग वर्ड इस कॉलम में हो गया जुलाई। पे, पे बचे दो डे एंड ट्यून, पे डे एक जैसा लग रहा है इनका जो एंडिंग साउंड है, इन दोनों वर्ड्स का जो एंडिंग साउंड है वो सेम और सिमिलर लग रहा है, तो पे विथ डे, पे डे। जून, और अंत में बचता है ट्यून, तो जून ट्यून, जून ट्यून। तो यानी हमारे जो राइमिंग वर्ड्स मिले टेन हैंड फ्लाई जुलाई पे डे जून ट्यून। चूज द वर्ड्स दैट बिगिन विथ पी, आपको यहां पे पांच वर्ड्स दिए हुए हैं, देर आर टोटल 5 वर्ड्स, और आपको ऐसे वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं जो बिगिन विद पी, जो पी से स्टार्ट होते हैं। तो इनका हमें फर्स्ट लेटर देखना होता है, तो पोटैटो, हाँ यहाँ का जो फर्स्ट लेटर है वो पी है तो इसको हम पोटैटो, एवरी फर्स्ट लेटर ई तो ये नहीं होगा, चाइल्ड फर्स्ट लेटर सी ये भी नहीं होगा, प्लीज फर्स्ट लेटर पी तो हाँ इसको हम लिखेंगे, और गो फर्स्ट लेटर जी तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाता है पोटैटो एंड प्लीज। नाउ चूज द वर्ड्स दैट एंड विद ओ, आपको ऐसे वर्ड्स लिखना है जिसके अंत में ओ आता है, यानी आपको दिए हुए वर्ड्स के आखिरी लेटर को देखना है, और अगर वो ओ है तो हमारा आंसर होगा।
तो ये है जो आखिरी वर्ड दिखता है आपको, इसमें है रीड, जो अंतिम लेटर है वो डी है, ये नहीं होगा। ईच, अंतिम लेटर एच, ये भी नहीं होगा। डू, तो अंतिम जो लेटर है वो है ओ, तो इसका आंसर में डू। नियर, ये एंड विथ ओ नहीं है क्योंकि अंतिम लेटर आर है, तो ये भी नहीं होगा। टू, टी डब्ल्यू ओ, अंतिम लेटर ओ है, तो हमारा जो आंसर होगा डू एंड टू, डू एंड टू। तो इसका आंसर हुआ डू एंड टू। माय डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क फॉर टुडे, choose at least 10 words from your textbook and arrange them in alphabetical order. आपको आपकी textbook से 10 words को select करना है, कोई भी 10 words, और उनको arrange करना है alphabetical order में. And the second one is write 4 pairs of rhyming words. आपको rhyming words की 4 जोड़ियां लिखनी है. Rhyming words जोड़ के उसकी 4 जोड़ियां लिखना है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारा BMC EDU HIEN 5 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।